दोस्तों धरती आबा बिरसा मुंडा की 144वीं जयंती पर झारखंड समेत देश भर में उन्हें नमन कर श्रद्धांजलि दी जा रही है। आदिवासियों के सुपर हीरो के नाम पर सोशल मीडिया में भी खूब संस्मरण शेयर किए जा रहे हैं। धरती आबा बिरसा मुंडा हैशटैग के साथ लाइक्स, रीट्वीट और कमेंट का दौर सतत चल रहा है। भगवान धरती आबा बिरसा मुंडा के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने महज तीर कमान से आदिवासियों पर जुल्म ढाने वाले अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। धरती आबा बिरसा मुंडा की सिर्फ 25 साल की उम्र में रहस्यमय परिस्थितियों में जेल में मौत हो गई थी। धरती आबा बिरसा मुंडा की जन्मस्थली झारखंड की राजधानी रांची से सटे अड़की प्रखंड का उलीहातू गांव है। यहां आज भी धरती आबा बिरसा मुंडा के वंशज वास करते हैं। गांव के लोग अपने पूर्वज धरती आबा बिरसा मुंडा के प्रति पूरी निष्ठा रखते हैं। धरती आबा बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को यहाँ एक गरीब आदिवासी परिवार में हुआ था। माँ सुगना और पिता कर्मी के घर पैदा हुए धरती आबा बिरसा मुंडा ने सकला में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। सन 1895 के बाद उन्होंने आदिवासी संस्कृति से जुड़े लोगों में ऐसी पैठ बनाई कि उन्हें भगवान का दर्जा दे दिया गया। धरती आबा बिरसा मुंडा अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई के बड़े सूत्रधारों में शुमार रहे। उन्हें जननायक के रूप में लोग याद करते हैं। तब उन्होंने अंग्रेजों को उनकी हैसियत बताते हुए आदिवासी संग्राम को उलगुलान का नाम दिया था। अंग्रेजों की फॉरेस्ट नीति के खिलाफ उनके धारदार आंदोलन को आज भी याद किया जाता है। आदिवासियों की जमीन हड़पने वाले कानून की मुखालफत करते हुए धरती आबा बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश सरकार की चूलें हिला दी। उन्हें तब 2 साल के लिए जेल की कड़ी सजा दी गई।